Good morning, students. Welcome to your online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we'll discuss next numerical question in admission of new partners. Last previous class में हमने एक simple equation solve किया था जिसके अंदर revaluation, partners capital and balance sheet. उसका वीडियो हमने सेंड इसलिए नहीं किया कि वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वीडियो सेंड हो जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें. तो वीडियो आप सेंड कर देंगे उसका. और नेक्स्ट उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर के उनको स्टडी करते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है एडमिशन में वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, लीला एंड नीता वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3. लीला और नीता एक पार्टनर्स हैं और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं 5:3. ऑन 1 अप्रैल 2077 दे एडमिटेड ओम एज ए न्यू पार्टनर. ऑन दैट डे ओम एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड नीता शो ए बैलेंस ऑफ ₹16,000 इन जर्नलिज्म एंड ₹24,000 प्रॉफिट एंड लॉस. वो नए पार्टनर ओम को एडमिट करते हैं. ओम के एडमिशन के टाइम जो लीला और नीता की बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व है आपका 24,000 और एक प्रॉफिट जनरल रिजर्व है 16,000 और एक प्रॉफिट एंड लॉस है 24,000. अब इसके आगे सीआर भी दे दिया क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साइड मिल सकता है, एसेट्स में भी और लायबिलिटीज में. लायबिलिटीज में तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में सीआर, एसेट्स में तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में डीआर. और बाय द वे कुछ भी नहीं थे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस मानना सीआर. सीआर का मतलब प्रॉफिट. रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ दीस टर्म्स ऑफ ओम एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लीला मीता एंड ओम वाज 5:3:2. यहां न्यू रेशियो भी गिवन है तो न्यू रेशियो का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो होता है तो सैक्रिफाइस निकलता है और वो सैक्रिफाइस के लिए क्यों निकलता है, गुडविल को डिवाइड करने के. किसको डिवाइड करने के लिए, गुडविल को डिवाइड. गुडविल तो यहाँ है नहीं, यहाँ दो ही चीजें हैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस. और ऐसी जो चीजें होती हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूट आपके प्रॉफिट लॉस कहलाएंगे या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएंगे, उनको डिवाइड एडमिशन के टाइम डिवाइड करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में. और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो. इस रेशियो में ओल्ड रेशियो में. तो 28 का क्वेश्चन और डिवाइड करना है. फर्स्ट क्या है जनरल रिजर्व, कितने थाउजेंड का है 16,000. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर. इसमें डिवाइड होगा लीला और नीता में. तो लीला कैपिटल नीता कैपिटल. जनरल रिजर्व कितना थाउजेंड है, जनरल रिजर्व है आपका 16,000. इस रेशियो में डिवाइड होगा 5:3, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा तो 5:3 में कितना मिलेगा 10,000 और 6,000. और कंप्लीट जनरल रिजल्ट बनेगा. नरेशन बनाना चाहो तो नरेशन बना दे. तो क्या किया है, बी जनरल रिजल्ट डिवाइडेड इन ओल्ड पार्ट. जो काम हमने किया है वो इसकी क्या बनेगी, नरेशन बन जाएगी. नेक्स्ट है पीएनएल 24,000 का है तो पीएनएल दोस्तों भी डिवाइड कर देंगे. अब पीएनएल डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, तो साफ साफ दिया है क्या है क्रेडिट. क्रेडिट है तो डिवाइड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा डेबिट. तो पीएनएल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर, पीएनएल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर. तो कितनी हो जाएगी सेकंड
P&L account DR. So all partner को एक तो Leela's capital और एक है Leela. Profit and loss at 24,000 और 5 से 3 में डिवाइड करना है तो कितना आएगा 15,000 और 9 और सेम रिलेशन क्या भी देगी सेम रिलेशन भी वही हो जाएगी बीइंग पी एंड एल डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स और खत्म. क्वेश्चन नंबर 28 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व अगर क्वेश्चन में प्रोवाइड है न्यू पार्टनर्स का एडमिशन है तो वो सारे किसमें डिवाइड हो जाते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड बस और कुछ नहीं एडमिशन. क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 जिसके कोई प्रॉब्लम आए तो उसको जाना भी नेक्स्ट एडिशन. क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 है अमित एंड विनय आर पार्टनर इन फर्म स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:1 ऑन 1st जनवरी 2007 दे एडमिटेड रंजन एज ए पार्टनर ऑन रंजन एडमिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अमित एंड विनय शो डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 रिकॉर्ड जनरल एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस सेम. आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है रंजन के एडमिशन पे और वो भी कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस तो बोला बताओ एंट्री क्या होगी तो डेबिट बैलेंस एंट्री क्या हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री हो जाएगी आपकी अमित अकाउंट या विनय अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा से डेबिट तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट क्रेडिट और डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है डेबिट. क्लियर है लायबिलिटीज की जो भी बैलेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमेशा डेबिट कहलाते हैं जैसे जनरल रिजर्व रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर ये लायबिलिटीज पूरा पता कौन से बैलेंस है क्रेडिट. ये लायबिलिटीज सारे बैलेंस कौन से पता है क्रेडिट बैलेंस. जबकि एसेट्स की तरफ अगर ये सब चीजें हैं तो एसेट कौन सा बैलेंस बताता है हमेशा ऑलवेज डेबिट. तो डेबिट को खत्म करना है तो क्रेडिट करो और क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट करो. तो जब छोटे क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर क्या होगा साफ साफ दिया होगा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है. तो यहाँ पे देखो आपको दिया है साफ साफ प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है डेबिट. डिवाइड करना है क्या कर दो क्रेडिट. किसमें डिवाइड करोगे ओल्ड पार्टनर कौन है अमित और विनय. एंट्री जाएगी अमित कैपिटल अकाउंट डी आर विनय कैपिटल अकाउंट डी आर इसको डिवाइड करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस. कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 कौन से रेशियो में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो कितना है 3:1 30 और 10 और क्वेश्चन कंप्लीट.
P&L divided in old partner. Question number 29 covered. वो भेजते हैं लेकिन ऐड नहीं होते। हाँ नहीं अभी ऐड किया नहीं हुए, बाकी सभी ऐड हो चुके, उनका ऐड नहीं होता। मैंने दो तीन बार पहले भी ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 30 A B sharing profit in ratio 3/4 and 1/4. 3/4 और 1/4 का means क्या हो गया? 3:1. 3/4, 1/4 नीचे तो equal है, यानी क्या ratio? 3:1. Their balance sheet on December 31st 2006 was as follows. और उनकी balance sheet कुछ इस तरीके से है। Sundry creditor है 41,500. रिजर्व फंड है 4000. रिजर्व फंड क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कैपिटल 30,000 16,000 और एसेट्स में है कैश एट बैंक, बीआर, डेटर्स, स्टॉक, फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। ऑन जनवरी फर्स्ट 2007 आपके ईयर्स चेंज होंगे क्योंकि नया बुक है, तो अपने हिसाब से कुछ ईयर चेंज पढ़ना, ठीक है ना। मेरे में 7 लिखा, आपने 11 हो सकता है, 17 हो सकता है, जो है वो ईयर्स पढ़ लेना। सी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। सी एडमिट होता है फ्लोइंग टर्म पे, कुछ कंडीशंस ये अप्लाई होंगी सी के एडमिशन पर। दैट सी पे 10,000 एज इज कैपिटल। सी पे करेगा कैपिटल कितने थाउजेंड? 10,000। नेक्स्ट है सी पे आरएस 5000 फॉर गुडविल। गुडविल के पे करेगा 5000। हाफ ऑफ द सम इज टू विथड्रॉ बाय ए एंड बी, और उसका हाफ ए और बी विथड्रॉ कर लेंगे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि डेफिनेटली जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल और कैपिटल लाता है। कैपिटल तो उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देगी, जबकि गुडविल किस में डिवाइड होगी? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस में। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस में तो आप ओल्ड पार्टनर को डिवाइड करोगे, तो ओल्ड पार्टनर को मिल गया तो ओल्ड पार्टनर उसको क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। ओल्ड पार्टनर क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं, तो पैसा तो उनके पास है, तो ओल्ड इसमें दिया भी है। हाफ ऑफ द सम इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर यानी ए एंड बी। दैट स्टॉक एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस बाय 10% एंड 5%। रिड्यूस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल 5% प्रोविजन बनाना है आपको, डेटर्स पे बनाना है, बीआर पे बनाना है। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन है वो एप्रिशिएटेड करनी है 20% से। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज ए लायबिलिटी फॉर एक्सटेंट 1000 शुड बी क्रिएटेड। एक क्लेम था अगेंस्ट टू फर्म, उसके लिए लायबिलिटीज बनी कितने थाउजेंड? 1000 हमने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया अगले का। एंड आइटम ऑफ 6650 इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, इज नॉट लाइकली टू क्लेम। वो आपका फ्यूचर में क्लेम ही नहीं होगा, क्लेम नहीं होगा यानी वो मांगेगा नहीं, मांगेगा नहीं तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? तब एंड ही शुड बी रिटर्न बैक, उसको हटा दो, हटा देंगे। Record the above transaction journal entries in the books of the firm, assuming that the profit sharing ratio between A and B has not changed. आपको journal entries करनी है, और ये बोला A और B अपने कोई भी ratio में कोई changement नहीं करेंगे, जो old है वही उनका new रहेगा, बस नया partner admit होगा, हो जाएगा। Prepare the new balance sheet on the admission of C, और आपको balance sheet भी बनानी है।
नहीं बना। आप देखो बैलेंस शीट करना, बैलेंस शीट बोला तो उससे पहले आपको दो अकाउंट फोर क्रिएट करने होंगे। एक तो क्या बनाना होगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज हुआ है उसको शो करो। और डिफरेंस किस में पड़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। फिर क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में अपना पूरा पार्टनर कैपिटल को क्रिएट करो और उससे कौन सी कैपिटल निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब ये क्लोजिंग कैपिटल आपको किसमें मदद करेगी, बैलेंस शीट बनाने में। तो बिना रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो एक पेज जनरल के लिए छोड़ देना, जो क्वेश्चन में जनरल भी पूछा था, तो एक पेज जनरल के लिए छोड़ दो। लास्ट में मैं पूरा जनरल बोल दूंगा आपको, तो पूरा जनरल लिख देना फटाफट। मैं रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल क्या बनवा देता हूँ आपको, बैलेंस शीट। तो खैचो रिवैल्यूएशन देखो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा। तो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट समझाया हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज एसेट्स और लायबिलिटीज शो होता है इसके अंदर। इंक्रीज एसेट्स किस साइड, सीआर। डिक्रीज डीआर। लायबिलिटीज इंक्रीज डीआर, डिक्रीज सीआर। बस नया पार्टनर कैपिटल और जो गुडविल आता है वो किस में डिवाइड होगी, पार्टनर कैपिटल में, वो इसमें आएगा नहीं। पर टॉपिक नंबर सी, द स्टॉक एंड फिक्स्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक और फिक्चर्स में 10% का रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस कर देते हैं। तो टू स्टॉक 10% कितना हो जाएगा, स्टॉक का 10% तो 20,000 है, 10% कितना हो जाएगा, 2,000। फिक्चर्स 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 कितना है, पिक्चर्स है 1,000, 10% कितना हो जाएगा, 2 रुपीज, 100 रुपीज, 100। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन डेटर्स और बीआर। आपको प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर और बीआर। प्रोविजन क्या होते हैं, एक प्रकार से कैसे ट्रीट करने होते हैं, लायबिलिटीज। प्रोविजन किसकी जैसे ट्रीट होते हैं, लायबिलिटीज। अगर एसेट्स पे प्रोविजन बने तो वो लायबिलिटीज की जैसे ट्रीट, लायबिलिटीज पे प्रोविजन बने तो वो एसेट्स की जैसे ट्रीट, ठीक है ना। ये प्रोविजन है उनको कम करने वाले। और टू नहीं, 10% है ना, स्टॉक एंड फिक्स्चर्स भी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फिक्स्चर्स दोनों एक साथ 10%। प्रोविजन फॉर डेटा, प्रोविजन फॉर पीआर। प्रोविजन बनाना है डेटर्स और पीआर पे, कितना कितना परसेंट, 5%। तो डेटर है 16,000, 5% कितना हो जाएगा, 800। पीआर है 3,000 का, 5% कितना हो जाएगा, 150। टॉपिक नंबर सी कंप्लीट। डी, that the value of land and building by appreciated by 20%। appreciated करना है, appreciated का मतलब उसको बढ़ाना है, increase करना है। increase assets पे कितना आएगा, CR side, तो increase करते हैं, तो increase करेंगे land and building को 20%, तो कितना आएगा, 5,000। There is being a claim against the firm for damage. एक firm for damage के लिए claim accept हुआ है, वो कितने thousand का है, 1,000। तो claim है तो liability तो भी हमारी pay करना पड़ेगा। Claim
four debit, claim four debit. कितना है 1000, claim four debits 1000. At item of 1650 include sundry creditors is not likely to claim and these should be written back. उसको return back करना है. creditor को क्या करना है? कम करना. creditor का मतलब किस साइड आएगा? C आर से. decrease in liabilities by creditor. 650. और कुछ इसके अंदर है? सारे टॉपिक क्लियर होंगे. तो रिवॉल्यूशन तैयार. कौन सा ज्यादा लग रहा है? सी आ जाए तो क्या होने वाला है? प्रॉफिट. लिखो प्रॉफिट. किस पे डिवाइड करोगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ए और बी. उसमें से लेस कितने हुए? 1600. डिवाइड किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 3:1. 3:1. 4 में डिवाइड करने के लिए कितना बार जाएगा? 400. 400 को 3 से और 1 से और रिवैल्यूएशन राइट. रिवैल्यूएशन में किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो भाई. रिवैल्यूएशन में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया है जहां भी मुझे एसेट्स में इंक्रीज लगा डीआर में, डिक्रीज लगा सीआर में. इंक्रीज था, डिक्रीज था, डिक्रीज था. लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ डीआर में लिखा. जैसे डैमेज का इंक्रीज हुआ, डैमेज आपको देना है, क्लेम देना है, इंक्रीज हुआ. डिक्रीज हुआ तो सीआर में लिखा. क्रेडिटर के 650 रुपए फ्यूचर में नहीं देने होंगे, नॉट लाइकली टू अराइज. फ्यूचर में आपको उत्पन्न नहीं होगा. डिफरेंस किस पे बैठेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड. बस इतना सा फंडामेंटल है और कुछ भी नहीं. प्रोविजन याद नहीं हो तो एक चीज याद रखो, अगर प्रोविजन एसेट्स पे बनते हैं तो लायबिलिटीज के जैसे, अगर प्रोविजन लायबिलिटीज पे बनते हैं तो एसेट्स के जैसे, क्योंकि प्रोविजन एसेट्स पे बनते हैं तो एसेट्स को कम करेंगे. एसेट्स को कम करेंगे नहीं, उसके अपोजिट साइड लिख जाएंगे. तो एसेट्स की इंक्रीज अभी भी किधर लिखते हो? सी. तो प्रोविजन तो उसको कम करेंगे तो किधर लिख दो? लायबिलिटीज में इंक्रीज होती है तो किधर लिखते हो? सी. अगर प्रोविजन बनेगा तो उसको कम करेगा, किधर लिख दो? सी. रिवैल्यूएशन पार्टनर क्या है? A, B and C. A, B and C. First of all, स्टेप बाय स्टेप लिख लेना. बाकी कोई स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं होती वैसे तो, लेकिन चीजें को भूल जाओ इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखो. सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस. और बैलेंस को सबसे पहले लिखते हैं तो बैलेंस किसके दे रखे हैं? बैलेंस कहाँ मिलते हैं? बैलेंस शीट. बैलेंस कहाँ मिलते हैं? तो बैलेंस शीट में आपको ए और बी का बैलेंस दे रखा 30,000 16,000. तो बाई बैलेंस बीटी नेक्स्ट लिखा जाता है नया पार्टनर की कैपिटल. नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया? 10,000. तो भाई कैश. नए पार्टनर कैपिटल 10,000. फिर नए पार्टनर की गुडविल को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट. अगर वो कैश लाया है तो भाई गुडविल. तो भाई गुडविल कितना 1000 लाया था? कैश
5000। और रेशियो क्या है इनका, कुछ भी नहीं बोला सैक्रिफाइस के लिए, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस, कुछ नहीं बोलता तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस। बाय द वे क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे तो सैक्रिफाइस निकाल लेना, कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो सैक्रिफाइस है 3:1, तो 5000 को 3:1 में डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, डिवाइड जरूर होगा या तो कैश लाएगा तो गुडविल के नाम से, और कैश नहीं लाएगा तो कैपिटल। किस रेशियो में डिवाइड होगा, हमेशा बोलना सैक्रिफाइस, लगभग 60-70% आपका सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो ही होता है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है। लेकिन क्वेश्चन में नया और ओल्ड दोनों लेते तो आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, विदाउट सैक्रिफाइस निकाले आपको डिवाइड। नेक्स्ट उसके बाद आप यहां अपना रिवेल्यूशन, तो रिवेल्यूशन में 5% आपके साइड आया दिया, तो पार्टनर कैपिटल में किधर चला जाएगा, सी आर बाय रिवेल्यूशन। कितना है, $1,200 और $400। उसके बाद आपको जाना होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी साइड देखो, कोई डिवाइड होने वाला डिजिट्स है क्या, रिजर्व फंड डिवाइड होगा, लायबिलिटीज में किधर डिवाइड होगा, सी आर, लायबिलिटीज में लिखा हुआ ना किस तरफ डिवाइड होगा, सी आर बाय रिजर्व फंड। उसके बाद में और कोई डिजिट्स है डिवाइड होने वाला, तो और कोई डिजिट्स नहीं है ना, लायबिलिटीज में नहीं कहा है, एसेट्स में, तो डिवाइड होने वाला कोई डिजिट्स नहीं है, तो आप क्या निकाल लो, बैलेंस सीधी निकाल लो, तो टू बैलेंस सीधी बाय द वे डिवाइड होने वाले कोई डिजिट होता तो मैं सीआर को प्लस करता, और डीआर क्या करता चलता, माइनस करता चलता बैलेंस, जैसे बैलेंस शीट नहीं किया हमने, अलावा अकाउंट ही तो है, बैलेंस शीट करते रहो। अरे वर्षा जगरानी फिक्चर्स पे 5% नहीं है बेटा, देखो एक साथ नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ था इसके अंदर, कि स्टॉक एंड फिक्चर्स भी रिड्यूस बाय 10% एंड लग गया तो और फिर आगे की बात है, तो स्टॉक और फिक्चर्स में दोनों पे कितना परसेंट है, 10% है लिखा हुआ लाइन, नई बुक में चेंज है क्या, अच्छा। नेक्स्ट देखो बैलेंस शीट निकाल देते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं, इसमें कितना आएगा 10,000, इससे कितना जाएगा 18,650, इससे कितना जाएगा 37,950, 16,650 and 10,000, और ये टोटल क्या बनेगा, बैलेंस सीडी क्यों बनेगा, क्योंकि लैश होने वाला कोई डिजिट्स नहीं, सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट एक आपको गुडविल हमें विड्रो करना था, बहुत अच्छी अनुसारी बैलेंस एक लाइन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाफ गुडविल विड्रो करनी ओल्ड पार्टनर्स को, सेकंड पॉइंट बी पॉइंट, तो ये लो हाफ गुडविल विड्रो करते हैं टू कैश, मिला किधर, सीआर, तो विड्रो किधर होगा, एंट्री बोलना चाहो तो एंट्री सुन लो एक बार, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, कैश को इंक्रीज करो, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर, और फिर निकलता है एंट्री क्या लिखी थी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, ये रहा टू कैश, हाफ हाफ तो 3750 का हाफ इसमें निकाल दो इनका कितना आ जाएगा 1875,
इसका कितना हो जाएगा 625 प्लस कर देते हैं क्या 2500 बनता है कि 5000 आया था 2500 बनता है 96 जोड़ दिया तो 25 ओके निकाल देते हैं टू बैलेंस शीट अब हमारे पास लेस होने वाले डिजिट्स भी है 37950 में से कितना लेस करो 1875 37 फिर 0 इसका कितना होगा 18 0 25 10 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
पार्टनर कैपिटल क्या हो गया कंप्लीट। पार्टनर कैपिटल बना लो, इसकी एंट्री हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये इसका रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल हो गया। टाइमिंग क्या है जाने वाला है, तो इसलिए अपन नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट है और इसकी जनरल इंट्रीज है वो कब करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, जो आपका 12 क्लॉक आएगा 12 से 12:15 के बीच में। मैं लिंक भेज दूंगा आपको, सेंड करूंगा, उसके बाद इसकी क्या बनाऊंगा बैलेंस शीट और जनरल। जनरल के लिए आपने एक पेज छोड़ा है, वहां जनरल बनेगा, और बैलेंस शीट के लिए मुझे रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों चाहिए, इसलिए मैंने तो पिक ले ली है। आप इसको बना के तैयार रखो, क्योंकि मैं बैलेंस शीट जब बनाऊंगा मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज करूंगा, कौन बताएगा जबकि पार्टनर्स में मेरे लिए कौन सी कैपिटल लेनी है बैलेंस सीडी, तो कौन बताएगा पार्टनर कैपिटल। कैश में क्या प्लस माइनस करना है कौन बताएगा पार्टनर कैपिटल। कैपिटल में कैश आया, गुडविल कैश आया, ये कैश गया, तो जो कैश आया है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो गया वो क्या हो जाएगा माइनस। तो कैश और कैपिटल तो मुझे यहां से मिल जाएगा। रिजर्व फंड मैंने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब नई कलेक्शन में रिजर्व फंड नहीं आएगा। बाकी किसी ने अगर चेंजमेंट हुआ है तो वो ये रिवैल्यूएशन बताएगा, यानी पूरी बैलेंस शीट एकदम इसी। आपको इन दोनों को अगर अच्छे से आता है तो इन दोनों के बेस पे आपको नई बैलेंस शीट बनानी, बस आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालना है, पुरानी वाली को देखते जाओ प्लस माइनस करते जाओ, बस बैलेंस शीट और जनरल एंट्रीज तैयार कर देंगे। आप पूछो इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर हो गया अच्छा, कोई डाउट बेटा? नो सर आगे समझ में। हाँ उसमें क्या थोड़ा सा सर, अगर पार्टनर ना बीच में कहीं मतलब साल के बीच में ऐड हो तो भी ना यही प्रोसेस होती है क्या? साल के बीच में क्या बोलते हैं बेटा, साल के बीच में ऐड हो रहा तब भी अपने को यही करना है रिवैल्यूएशन बनाना है, ऐसा नहीं है कि कभी कैसे हो क्योंकि रिवैल्यूएशन में उनको फिर दो साल के उसका रोल तो है ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा, नया पार्टनर कर देते आओ आप कैपिटल कैपिटल बेटा आपको डिवाइड कर दो, बाकी जो कुछ बुक्स पे लिखा हुआ उसको डिवाइड कर दो, ऐड कोई टेंशन नहीं कभी नहीं आओ, बस ये आप लास्ट किया आप कभी आपको जो सम सेट के लिए जैसे कि उसके एडमिशन
रिवेल्यूशन बनाना है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को डिवाइड करना है, ठीक है। आज की क्लास यस सर।